मंगलवार शाम सीहोर से एक बड़ी खबर आई। 3 साल की सृष्टि नाम की छोटी बच्ची बोरवेल में गिर गई। सृष्टि को रात से ही बोरवेल से बाहर निकालने की कोशिश जारी है। NDRF और SDERF की टीम रात से ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। अभी ताजा खबर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी परेशानी सामने आ रही है। दरअसल सृष्टि को निकालने के लिए जो खुदाई की जा रही है उस दौरान बीच में पत्थर भी है और खुदाई के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली मशीन्स की वाइब्रेशन के कारण शाम को जहां सृष्टि 20 फीट गहरे गड्ढे में फंसी हुई थी अब वो खिसक कर 100 फीट नीचे पहुंच गई है। सीहोर के मुकाबले में 2.5 साल की सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 20 घंटों से जारी है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर सृष्टि को बचाने के लिए जैसे जैसे ये पॉकेट मशीनों से खुदाई की जा रही है वैसे वैसे लगातार सृष्टि जो है वो गहरे में धंसती जा रही है। और देखिए पॉकलैंड मशीनें लगातार लगी हुई हैं, स्टोन कटर है, पॉकलैंड मशीनें हैं, इनसे लगातार खुदाई पर अब कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है क्योंकि जो कन्वेक्शन मेथड इस्तेमाल किया गया था जिसमें बोरवेल के गड्ढे में पतले पाइप डालकर यानी कि रॉड के जरिए हुक करके बच्ची को फंसा कर ऊपर खींचने की कोशिशें जो की गई लगातार 3 घंटे तक किए गए प्रयास आखिरकार नाकाम साबित हुए। रेस्क्यू टीम अब जो पाइप हैं वो बाहर निकाल लिए गए गड्ढे से, तमाम जो रॉड हैं वो समेटी जा रही हैं और अब सिर्फ एक ही जरिया बचा है वो है खुदाई जिसके जरिए गड्ढा करके बच्ची को एक टनल के द्वारा बाहर पाइप काट के निकाला जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि लगातार एक तो जो वाइब्रेशन यहाँ मशीनों के चलते हो रहा है उससे सृष्टि लगातार अंधे धंसती जा रही है और अभी 30 फीट से बताया गया था कि सुबह 8:30 बजे करीब वो 50 फीट तक धंस गई थी और उसके बाद अभी लगभग 70 से 80 फीट की गहराई में सृष्टि पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि कल रात से ही सृष्टि ने किसी तरह के कोई मूवमेंट नहीं किया है और कैमरे में कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत रेस्क्यू ऑपरेशन में ये सामने आ रही है कि लगभग 125 फीट की गहराई पर पानी है और अभी जो रॉड हुकिंग के लिए जो डाली गई थी वो बाहर निकली है वो गीली रॉड निकली है यानी कहीं ना कहीं अब पानी का खतरा भी जो है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि रेस्क्यू टीम और प्रशासन के अधिकारी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जाए और सृष्टि को सफलतापूर्वक बाहर निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्टोन मिट्टी है, हार्ड पत्थर है, उसमें कटिंग में जो टाइम लग रहा है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी काफी वक्त लग सकता है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24, मुंगावली सीहोर। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी इस खबर पर बाकी अपडेट्स के लिए आप खबर विभाग को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें।